भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार सुबह इंदौर पहुंचे, जहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके बाद बड़ा गणपति से भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा जी की रैली शुरू हुई। इस दौरान उनके काफिले में कारें आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष गोलू शुक्ला और सूरज रजक की महंगी गाड़ी आपस में टकरा गई थी। यह हादसा अंतिम चौराहे पर हुआ, हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई है। जानकारी के अनुसार रैली के दौरान बड़ा गणपति चौराहे पर उनके स्वागत के लिए लगाए गए स्वागत मंच और लाउडस्पीकर प्रशासन द्वारा हटवा दिए गए थे। नगर भाजपा ने उनकी रैली के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद तय हुआ कि भाजपा कार्यकर्ता एयरपोर्ट से राजीव गांधी प्रतिमा चौराहा तक मार्ग में जगह जगह उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद भाजपा द्वारा दिए गए रूट पर भी प्रशासन ने फेरबदल करवा दिया। इसके बाद रूट को जवाहर मार्ग के बजाय बड़ा गणपति, गंगवाल बस स्टैंड चौराहा, केसर बाग ब्रिज होते हुए शुभकारज गार्डन किया गया। बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे। हिंदू सनातन धर्म की आयो लाल सभी चौ, आयो लाल सभी चौ, वाहेगुरु जी का खालसा, आयो लाल सभी चौ। धन्यवाद।